तो भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उन लोगों को जिनको अपन नहीं चाहते अपने फ्रेंड लिस्ट में, उनको कैसे डिलीट किया जाता है, क्योंकि ये न्यू अपडेट आया है। तो इस न्यू अपडेट में जो है, काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि उन लोगों को कैसे अनफ्रेंड किया जाए जो लोग हमारे फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखा दें, ये आप देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल के नीचे फ्रेंड्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे मेरे प्रोफाइल के नीचे टॉप कॉर्नर पे, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स के ऊपर, ये फ्रेंड्स आ गए हैं। अभी इसमें जो है आपको जाना है, ये ऊपर जो राइट साइड पे जो तीन लाइन बनी हुई है थ्री डॉट्स के साथ, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा बैच मैनेज ब्लॉक लिस्ट। तो बैच मैनेज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप, पहले तो ऐसा हुआ करता था, आप एक या दो फ्रेंड को या एक एक फ्रेंड को आप अलग-अलग डिलीट करते थे। अभी आप जो है तकरीबन 50 बंदों को भी अगर चाहे तो 50 बंदों को भी डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको कोई एग्जांपल बताऊंगा अभी। जैसे कि मैं इनमें से ना चाहने वाले कोई एक बंदा हो, कोई भी ना चाहने वाला बंदा हो, तो मैं उसको डिलीट करूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक आईडी है, तो जनाब जनाब देखते हैं अभी। चलो, हमारे पास कोई फ्रेंड मौजूद है, किसी को भी देखते हैं, हम अनफ्रेंड करते हैं। कोई हो तो हम उसको अनफ्रेंड कर लें। चलो जनाब, इसको हम अनफ्रेंड करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे अनफ्रेंड है। ये नीचे आप डाउन साइड राइट साइड पे कॉर्नर जो है, आप उधर देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आया हुआ है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट वन फ्रेंड, यस ऑफ कोर्स वन फ्रेंड। तो ये है जनाब डिलीट करने का ऑप्शन, जो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है न्यू अपडेट में। तो मेरा मकसद था कि आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकूं। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आगे आगे भी आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर दे बताइएगा, ताकि हम आप लोगों को गाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट।